नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। रायपुर, अवैध संबंध बना हत्या का कारण, भाभी की जान लेने वाला देवर गिरफ्तार। रायपुर सारखी अभनपुर हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी देवनाथ साहू ने थाना अभनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम सारखी शांति नगर में रहता है तथा खेती किसानी करता है। प्रार्थी 5 सितंबर को काम से नवापारा गया था। 6 सितंबर के सुबह करीब 5 बजे प्रार्थी का बड़ा लड़का भागवत साहू प्रार्थी को फोन से बताया कि माँ घर के सामान रखने वाले कमरे में मृत अवस्था में पड़ी है, जिस पर प्रार्थी तत्काल घर आकर देखा तो उसकी पत्नी सामान रखने वाले कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके गले में निशान दिख रहा था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी की पत्नी का रस्सी या तार से गला घोटकर का हत्या कर दिया था, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 335/22 धारा 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हत्या की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक अटल नगर जितेंद्र चंद्राकर, प्रभारी एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा थाना प्रभारी अभनपुर को जल्द से जल्द अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को जानकारी प्राप्त हुई कि प्रार्थी के चचेरे भाई वीरेंद्र उर्फ वीर साहू, जो प्रार्थी के घर के बाजू में रहता है, को अंतिम बार प्रार्थी के घर से निकलते देखा गया था, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा वीरेंद्र उर्फ वीर साहू से पूछताछ करने पर वह बार बार अपना बयान बदलता था, जिससे टीम के सदस्यों को उस पर शक हुआ तथा उसके संबंध में जानकारी एकत्र करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को वीरेंद्र उर्फ वीर की घटना में संलिप्त होने का अहम सुराग प्राप्त हुआ, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा वीरेंद्र उर्फ वीर साहू से पुनः कड़ाई से पूछताछ करने पर वह अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः अपनी भाभी लता बाई साहू की हत्या करना स्वीकार किया। पूछताछ में आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीर साहू ने बताया कि उसका अपनी भाभी मृतिका लताबाई साहू के साथ विगत कुछ वर्षों से अवैध संबंध था तथा मृतिका लताबाई साहू आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीर के न चाहने पर भी बार बार अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने हेतु मजबूर करती थी, जिससे परेशान होकर आरोपी ने मृतिका की हत्या करने की योजना बना डाली तथा दिनांक घटना को मौका पाकर आरोपी मृतिका के घर जाकर रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त रस्सी जब्त कर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गई।